नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में वाक्य के भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। जैसा कि आपको पता है कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो दो लघु उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव के साथ जुड़े होते हैं। और अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। तो बच्चों, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, किसके साथ? संबंध बोधक अवयवों के साथ, परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में दो लघु उपवाक्य होते हैं, उनमें एक प्रधान होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है, और ये संबंध बोधक शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। तो मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। आगे देखिए, मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों के युग्म, जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, और तब कब, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। और स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। तो उपवाक्य में मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक आश्रित होता है और एक प्रधान होता है। प्रधान वाक्य मुख्य होता है, वह स्वतंत्र होता है, और आश्रित वाक्य उस पर निर्भर होता है। तो अब कुछ उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। जैसे, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। तो बच्चों, माँ ने कहा यहाँ पर है मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य, और शाम के समय वापस लौट आना, ये है यहाँ पर आश्रित उपवाक्य। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है, जब मैं घर पहुंचा, ये वाक्य आपका है प्रधान वाक्य। तब वर्षा हो रही थी, ये आपका है आश्रित उपवाक्य। और जब तब इन वर्णों से ये जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। तो ये जैसे ही बादल घिरे आपका मुख्य वाक्य है, और वैसे ही बिजली चमकने लगी, ये आपका है आश्रित उपवाक्य। आगे देखिए बच्चों, जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए। ठीक वैसे ही, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, ये है मुख्य वाक्य, और तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए, ये है आपका आश्रित उपवाक्य। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है, वहां वहां फसलें खूब पैदा होती हैं। ठीक वैसे ही, जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है, ये आपका है मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य, और वहां वहां फसलें खूब पैदा होती हैं, ये है आपका गौण वाक्य। तो इस प्रकार से मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है और दूसरा जो है वो आश्रित होता है, और ये संबंध बोधक अवयवों के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि, जब, तब, जैसे, वैसे, और जहां वहां, तो इस तरह के शब्दों के साथ ये जुड़े होते हैं।